इस वक्त मैं जलंधर नॉर्थ में हूं और हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और जलंधर नॉर्थ से यहां के कांग्रेस के उम्मीदवार। काफ़ी उम्मीद है इनको अपनी पार्टी से, युवाओं से। इस बार एक खास फर्क मुझे ये दिख रहा है कि 54% जो वोटर्स हैं वो युवा हो गए इस बार जी। कितना फर्क पड़ेगा इससे? सर, उसी को ध्यान मद्देनज़र वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने इस बारी ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को वोट दिया है कि उनको प्रोत्साहन मिले। स्पेशली उन्होंने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, यूथ एम्पावरमेंट की बात की है। और हमारे जो सबसे बड़े मुद्दे भी पंजाब में हैं वो यूथ रिलेटेड हैं, जिसमें आप ड्रग प्रॉब्लम है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, ये सारे यूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, इसीलिए उन्होंने बढ़ावा भी यूथ को ही दिया। आप कहते हैं कि आप एक नेता नहीं हैं आप, लेकिन आपका पूरा जो परिवार है पॉलिटिक्स में रहा, आपके पिताजी मिनिस्टर रहे काफ़ी साल से पॉलिटिक्स में, युवाओं से किस हद तक कनेक्ट कर पा रहे हैं? युवाओं के आप जहाँ भी आपने हमारे साथ देखा है, मोस्टली यूथ भी है, बुज़ुर्ग भी हैं, माताएं भी हैं। मैं हर श्रेणी से कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ और किसी का दोस्त हूँ। एक खास बात ये रही जलंधर नॉर्थ में कि टिकट थोड़ा वितरण में थोड़ा लेट हो गया और काफ़ी डिले हुआ है, तो क्या रीच आउट किस तरह से कर पा रहे हैं लोगों तक, किस तरह से पहुँच पा रहे हैं? कितना मुश्किल है? समय बहुत कम है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि लोगों का प्यार ही इतना है कि वो हमारे को खींच खींच के ले आ रहे हैं। रीच आउट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से रीच आउट हो जाएगा, पूरा एरिया कवर हो जाएगा। आपके फादर साहब मिनिस्टर रहे, पॉलिटिक्स में उनका अच्छा खासा तजुर्बा है, उनसे कितना आपको फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट कितना मिलेगा? सारा ही बेनिफिट उनका है, हम तो सिर्फ उनके एक छोटे से वर्कर हैं। सारा जो श्रेय है वो या तो हमारे जड़े वर्कर साहबान हैं उनका है, या मेरे पिताजी का। अच्छा, एक युवाओं की बात आपने की, एक पंजाब में खास बदलाव ये दिख रहा है जो दुखद भी है कि ड्रग्स का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे 20 साल 25 साल के लड़के हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है पंजाब में। तो आपकी सरकार अगर बनती है पंजाब में तो किस तरह से क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहला काम क्या करेंगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इसी के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने गुप्ता साहब को हाथ में लेके ये कहा कि एक महीने के अंदर अंदर मैं ड्रग इरेडिकेट कर दूंगा पंजाब में। सेकंड ऑफ ऑल जो उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कही है वो ये कही है कि जो इंडस्ट्री है उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, फ्रेंडली पॉलिसी बनाई जाएगी। अगर इंडस्ट्री पंजाब में दोबारा स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उससे ऑटोमेटिकली ड्रग्स का यूसेज कम होगा, क्योंकि जो हमारा यूथ है उसको पंजाब छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये जलंधर की बात करें तो जलंधर यूज़ टू बी इंडस्ट्रियल हब, कभी एक समय होता था जलंधर उद्योग का केंद्र होता था, अभी इसको बढ़ावा देने के लिए किस तरह का ये करेंगे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए वो अब नया एक फोकल पॉइंट काटने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए अब इंडस्ट्री को जगह नहीं है। सबसे पहले वही किया जाएगा, फिर जो इंडस्ट्री एरिया फोकल पॉइंट है उसका जो बहुत माड़ा इस टाइम हालात में, नो डाउट सबसे ज़्यादा वैट वही करती है बट हालात बहुत ख़राब हैं, उसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अर्बन फैसिलिटीज़ में पूरी दुनिया में ये चल रहा है कि स्मार्ट सिटीज़ होनी चाहिए, भारत में भी लग रहा है कि आने वाले 10-15 साल में बहुत बड़ी आबादी जो है वो अर्बन सेंटर्स के आसपास में आ जाएगी। जलंधर में बदलाव के लिए क्या आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो वेस्ट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होना चाहिए दोबारा से, जो इन्होंने वेरी सैडली बंद कर दिया। जो पिकअप सिस्टम है अपना डस्टबिन्स का वो होना चाहिए, जो इन्होंने अनफॉर्चुनेटली जगह जगह गंद पड़ा हुआ है एवरी डे पिकअप होना चाहिए, सो दैट उससे बीमारी ना फैले, उससे लोग बीमार ना, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली ये जो मौजूदा सरकार है और जो मौजूदा विधायक है आपके खिलाफ, उनकी सरकार ने क्या कुछ किया आपके इलाके में जो लगता है कि पूरा होना चाहिए, पूरा नहीं हो पाया? इंडस्ट्री तो टोटल जलंधर में आज जैसे आपने भी कहा कि टोटल फेल हो गई है, इससे यूथ बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए, करप्शन चरम सीमा पे है, और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो वाटर सप्लाई में, सीवरेज में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और वेस्ट पिकअप में बहुत प्रॉब्लम है। ये थे हमारे साथ बाबा हेनरी, यंग नेता हैं, युवा हैं, देश को युवा नेताओं की बहुत ज़रूरत है जो नए सोच के साथ में
समाज में बदलाव लाए, राजनीति में बदलाव लाए, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ विधानसभा में पहुंचे और बहुत कुछ करें देश के लिए। इनसे यही उम्मीद है। आपने दैनिक सवेरा से बात की, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू।